Hello everybody, welcome back to my class. I'm Thamsa Tyagi, your biology mentor on Rank Plus. So today we'll be starting with the brand new chapter that is Molecular Basis of Inheritance. So genetics का ये दूसरा chapter है और बहुत ही important है अगर हम आपके CBSE board exams के scores के view point से बात करें तो बहुत ही ज़्यादा important ये topic रहता है. And आज की class में हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं अपने genetic material के बारे में कि हमारा जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली क्या है, क्या वो डीएनए है या आरएनए है, और अगर डीएनए है या फिर आरएनए है तो वो क्यों है, किस तरह से इनकी खोज की गई, क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए. तो ये सारी चीजों पे आज हम बेसिकली वी आर गोना स्टडी अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ऑलराइट, सो अगर आप लोग क्लास में यहाँ पे आज आए हैं तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि पिछले चैप्टर से आप बहुत सारी चीजें अपनी जो है वो अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे. ठीक है, एंड नाउ वी आर गोना स्टार्ट विद द चैप्टर. तो अगर आप लोग पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मैं हूँ तमसा त्यागी. आई हैव डन माय मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री एंड आई हैव मोर देन एक्सपीरियंस ऑफ 5 इयर्स मेंटोरिंग स्टूडेंट्स ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन एंड एट द सेम टाइम प्रिपेयरिंग देम फॉर CUET एंड योर नीट एग्जाम, CBSE बोर्ड एग्जाम्स. सो ये सारी चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल रही हैं स्टूडेंट्स को. ये सारा जो एक्सपीरियंस है वो काम आएगा आप सभी को. ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम आज के इस टॉपिक के साथ जो कि है डीएनए. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक डीएनए. ठीक है बच्चे, डीएनए से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जब भी हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं ना, तो सबके दिमाग में ये आता है कि यार जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली क्या है. हाँ, क्या वो डीएनए है या आरएनए है. ठीक है, और डीएनए ही क्या है, व्हाट डीएनए इज, डीएनए इटसेल्फ क्या चीज है, क्या वो कोई आदमी है, हाँ, या कोई मॉलिक्यूल है, क्या चीज है डीएनए. डीएनए इज बेसिकली अ बायो मॉलिक्यूल और ये एक पॉलीमर रहता है. पॉलीमर जानते हो, पॉलीमर का क्या मतलब होता है, जो कि छोटे छोटे मोनोमर्स से बनके मिलके बनता है. तो जब आपके कई सारे मोनोमर्स मिल जाते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं, एक बड़ा सा पॉलीमर बनाते हैं. पॉलीमर यानी कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड यहाँ बनता है. और जो छोटे छोटे यूनिट्स यहाँ रहते हैं ना, द स्मॉल यूनिट्स जिसे मिलके वो बनता है, उसको हम बोलते हैं मोनोमर्स. ठीक है, मर मतलब यूनिट, मोनो मीन्स वन, ओके, एंड पॉली मीन्स मेनी एंड मर अगेन मीन्स यूनिट. तो यही छोटी छोटी यूनिट्स जो है, सिंगल सिंगल यूनिट मिल के एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाती है. यहाँ मान लो छोटी सी ये यूनिट ये है हमारे पास. ठीक है, दिस इज अ मोनोमर. ऑलराइट, और ये मोनोमर किस चीज से बना होता है, इट इज बेसिकली योर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड. ये क्या है आपका, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है. ये क्या है, ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड. ऑलराइट, अब यही डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड क्या रहेगा बच्चे, इसके कई सारे यूनिट्स इस तरह बनेंगे ऐसे. ठीक है, ये बहुत सारी यूनिट्स एक साथ अटैच हो जाती हैं और मिलके क्या बनता है, एक बड़ा सा पॉलीमर. ठीक है, और यही पॉलीमर क्या कहलाता है, अगर ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है तो ये बना देता है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं DNA. बात समझ में आई सभी को, यस और नो? सो दिस ओनली इज नोन एज डीएनए. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ डीएनए, अगर हम डीएनए के इस लेंथ की बात करें ना, तो यूजुअली जो ये डीएनए का जो लेंथ रहता है, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन इट, कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है.
ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट देयर। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल, अब हम आगे चलेंगे एंड आई विल गिव यू सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ सच नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। हम यहाँ, और ये क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट में भी पूछे जाते हैं, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है बेटा, ये चीज याद रखेंगे, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और साथ में आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले यहाँ बात हो रही है बैक्टीरियोफेज 5174 की, ठीक है, किसकी बात हो रही है, बैक्टीरियोफेज 5174। तो इसके अंदर टोटल में रहती है 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स? 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि इसका डीएनए का लेंथ ही क्या होगा, इतनी यूनिट्स। ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है वही डीएनए का लेंथ है। ठीक है, मान लो एक गार्लैंड है, इसके अंदर हाउ मेनी 50 फ्लावर्स आर देयर, ओके, फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ी सी गार्लैंड है, तो वो 50 फ्लावर्स उस गार्लैंड की क्या है, लेंथ है। क्लियर हुई ये बात? नेक्स्ट आते हैं बैक्टीरियोफाज लैम्डा पे। सो इफ वी टॉक अबाउट बैक्टीरियोफाज लैम्डा, हाउ मेनी बेस पेयर्स आर हियर, 48502, ठीक है, 48502 बेस पेयर्स आर हियर, ठीक है, ओके। सो अगेन दिस इज द लेंथ, और ये सभी आपको याद रखना है। एस्चेरिचिया कोलाई 4.6 × 10⁻⁶, ये 6 आएगा बच्चे, ठीक है, अगेन ये 10⁻⁹ आएगा, ऑल राइट, इसको करेक्ट कर लेना, 4.6 × 10⁻⁶ है ये। सिमिलरली 3.3 × 10⁻⁹, ये याद रखना आप लोग। सो दिस मच ऑफ बेस पेयर्स, ओके। अच्छा, एक चीज मैंने, हाँ, यहाँ पे जो ये ह्यूमन का डीएनए कंटेंट दिया है, या डीएनए का जो ये ह्यूमन डीएनए के नंबर ऑफ बेस पेयर्स दिए हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट इज हैप्लॉइड। तो ये क्वेश्चन ट्विस्ट होके आ सकता है, आप रट के चले जाते हो ह्यूमन का 3.3, 3.3, 3.3, हाँ, एग्जाम में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ ह्यूमन, 3.3, 3.3, याद आ गया है ना, एनसीईआरटी में लिखा था, बट पूछ लिया क्या, डिप्लॉयड यानी कि 2n, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर कितने आपके बेस पेयर्स हैं। तो बेटा जी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखना है। सो टोटल कॉन्टेंट कितना रहता है ह्यूमन डीएनए में, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स, ठीक है, क्लियर हो गई ये सभी को बात, यस और नो? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट थिंग, डीएनए, ओके, ये आगे हो गया, ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आखिर तक जाके। देखो, आप लोग हो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, हो कि नहीं, तो बायो के स्टूडेंट हो, अगर आप ही को डीएनए नहीं पता, डीएनए के अंदर क्या है नहीं पता, मान लो कोई चलते फिरते आपसे पूछते आप क्या कर रहे हो, आप बड़े टेंशन से बोलते हो, मैं तो नीट की तैयारी कर रहा हूँ यार, मेरे को तो एमबीबीएस करनी है, हम एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एमबीबीएस एग्जाम को लिखने की तैयारी कर रहे हैं, ओके। आपसे कोई पूछ रहा था यार हमने सुना है डीएनए कुछ होता है, क्या होता है वो, कोई जनरली आपसे पूछ ले, या आपके पेरेंट्स आपसे पूछ ले, हाउ यू आर गोना डिस्क्राइब, आपको खुद ही नहीं पता। हाँ सर, डीएनए की फुल फॉर्म रट लेने से, फुल फॉर्म याद कर लेने से डीएनए नहीं जान लेते ना, तो वो तो कोई भी बता देता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, कोई भी याद कर लेता है, बट डीएनए के बारे में आप क्या जानते हो, तो उसकी फुल इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि नहीं है, है ना, जरूरी है ना। चलिए, तो पहले हम डीएनए के स्ट्रक्चर को जानते हैं, ये आगे स्लाइड क्यों हो गई, ओके। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द डीएनए, डीएनए के अंदर आपकी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स रहते हैं, क्या रहते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, ठीक है, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड आपका किससे बनता है, दिस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय द डीऑक्सी राइबो
न्यूक्लियोटाइड्स। अब इससे पहले तो हमें यही जानना पड़ेगा कि भैया ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्या रहता है, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट अ न्यूक्लियोटाइड। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपके बेसिकली क्या होता है ना बच्चे, यू हैव अ शुगर देयर विच इज अ राइबोज शुगर, साथ में होता है आपका वहां पे एक फॉस्फेट ग्रुप और एक चीज और रहती है, दैट इज योर न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आपका वहां पे कोई नाइट्रोजन बेस रहेगा, ओके। आपका यहां पे कोई ये रेस नहीं होगा क्या, सारा क्लीन हो गया, ओके। तो यहाँ पे क्या रहता है आपका, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। मैं दोबारा लिख रही हूँ, सो इट इज अ न्यूक्लिक एसिड जो आपका न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, जिसके अंदर आपका रहता है एक राइबोज शुगर, ठीक है। देन यू हैव अ नाइट्रोजन बेस एंड देन यू हैव अ फॉस्फेट, ठीक है। अब बेटा जी बेसिकली क्या है ना कि ये आपका जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर राइबोज शुगर जो होती है ये एक पेंटोज शुगर रहती है। पेंटोज शुगर का मतलब कि ये पांच कार्बन से बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ फाइव कार्बन, ओके। सो दिस इज कार्बन वन टू, यहां पे एक कार्बन और जुड़ा होता है विच इज वन, देन दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर एंड दिस इज फाइव, हियर यू हैव वन मोर कार्बन, ओके। एंड देन यू हैव अ फॉस्फेट ग्रुप हियर, तो आपका यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप जो रहता है वो PO3 टू माइनस ग्रुप होता है, और जो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये यहाँ पे चार तरीके की नाइट्रोजन बेसिस रहती हैं। कौन कौन सी, यू हैव थाइमीन, यू हैव साइटोसिन, यू हैव एडिनाइन एंड यू हैव गुआनिन। ये चार तरीके की जो नाइट्रोजन बेसिस है ये आपको कहाँ देखने को मिलती है, इन द केस ऑफ योर डीएनए, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए में ये डिफरेंस रहता है कि जो आरएनए होती है ना उसके अंदर यूरासिल नाम का नाइट्रोजन बेस देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज फाउंड वेयर इन योर आरएनए, तो आरएनए में आपको साइटोसिन भी मिलेगा, एडिनाइन भी मिलेगा, गुआनिन भी मिलेगा, बट थाइमीन नहीं मिलेगा। सिमिलरली डीएनए में यूरासिल नहीं होगा बट थाइमीन होगा। सो आरएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर में ये बेसिक डिफरेंस दिखता है, बाकी आरएनए के अंदर राइबोज शुगर भी होती है, नाइट्रोजन बेस भी होता है, फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, सारी चीजें होती है क्योंकि ये भी न्यूक्लियोटाइड से ही बना है, ठीक है। बट द डिफरेंस इज दिस नाइट्रोजन बेस, दीज आर ऑफ फोर टाइप्स जिसमें थाइमीन इज इंक्लूडेड, बट हियर इट इज अगेन ऑफ फोर टाइप्स बट थाइमीन इज एक्सक्लूडेड, इंस्टेड ऑफ दैट यूरासिल इज देयर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सभी को। नाउ अब बात आती है राइबोज शुगर की, तो यहां पे जो ये राइबोज शुगर होती है ये डीऑक्सीराइबोज होती है, क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, ठीक है। यहां पर दोनों ही जगह पे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। यहां पर दिस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, एक सेकेंड, ये नंबरिंग ऐसे जाएगी वन टू, ठीक है, थ्री फोर एंड
5, यहां से स्टार्ट करते हैं नंबर करना। तो 2 प्राइम पोजीशन पे ऑक्सीजन ग्रुप इज एब्सेंट, ओके, दैट इज व्हाई दिस इज अ डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड हेंस इट मेक्स व्हाट अ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। बात समझ में आई सभी को? इसीलिए क्या बन जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। बट आरएनए के केस में आपका यहां पर 2 प्राइम पोजीशन पर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ठीक है, एंड हेंस इट इज सिंपली अ राइबोज शुगर एंड इट इज मेकिंग अ राइबो न्यूक्लियोटाइड एंड हेंस इट मेक्स अ राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हो गई ये सभी को बात? यस और नो? ठीक है ना, तो ये चीज रहती है बेटा जी। हाँ, नाउ आपका जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ना, ये पूरा का पूरा जो इसका ये फ्रेमवर्क है, ये जो दो सीढ़ियां हैं, इट्स बेसिकली व्हाट, इट्स अ लैडर लाइक स्ट्रक्चर, है ना। हम लोग पढ़ते हैं ना ये कैसा स्ट्रक्चर है, इट्स अ ट्विस्टेड लैडर लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ जो ये लैडर बन रहे हैं, ये जो लैडर रहता है, ये जो बैकबोन है, ये आपकी शुगर्स और फॉस्फेट से बनी होती है। इसको हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए। ये किससे बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ शुगर्स एंड योर फॉस्फेट ग्रुप, राइट। एंड बच्चे जो ये अंदर की तरफ ये आप देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट ये दोनों तरफा है ना, ऐसे दो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं। इट्स अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। दो स्ट्रैंड्स होते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के, यहाँ बात समझ में आई, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के स्पेसिफिकली अगर बताऊं तो यहाँ पे ये दोनों के जो बेसिस होते हैं ना, नाइट्रोजन बेसिस, उनमें इस तरह से ऐसे बॉन्डिंग रहती है, तब वो ऐसे सीढ़ी बनाते हैं, समझे, और फिर ये सीढ़ी ट्विस्ट हो जाती है, तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यानी अंदर की तरफ क्या रहते हैं, नाइट्रोजन बेसिस विच आर इन पेयर्स, ओके, एंड इनके बीच में ये जो बॉन्डिंग होती है कुछ इस तरह होती है कि अगर एक तरफ ए होगा तो एडिनाइन के साथ हमेशा थायमीन जुड़ेगा, ठीक है, और अगर साइटोसिन है तो उसके साथ हमेशा गुआनिन जुड़ेगा, और ये जुड़े होते हैं किसकी मदद से, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से, एंड एडिनाइन और थायमीन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड्स होते हैं, साइटोसिन और गुआनिन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, याद रखना ये। सो हियर 2 बॉन्ड्स, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर एंड हियर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर बिटवीन साइटोसिन एंड गुआनिन, मेकिंग द डीएनए स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। ये डीएनए को और ज्यादा स्टेबल बनाएगा, जितना ज्यादा साइटोसिन और गुआनिन होगा ना बच्चों, उतना वो और स्टेबल बनेगा, बात समझ में आई। और जो ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इस तरह की एक स्टैकिंग कर रहे हैं जो अगेन डीएनए को एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। तो डीएनए एक हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर रहता है एज कंपेयर टू आरएनए। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ओके। नाउ सिंस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि यार देखो आरएनए में तो आपका थायमीन नहीं होता, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एडिनाइन जो है वो यूरैसिल के साथ बॉन्डिंग करेगा, बाकी सी और जी एज इट इज प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज वाइज वर्सा बच्चे, ठीक है, इफ इट्स सी देन इट्स जी, इफ इट्स जी देन इट्स सी, सेम इफ इट्स ए देन इट्स टी, इफ इट्स टी देन इट्स ए। सो ऑलवेज देयर इज अ बॉन्डिंग बिटवीन एडिनाइन एंड थायमीन एंड साइटोसिन एंड गुआनिन, ठीक हो गई बात, समझ में आ गई, ठीक है। सो ये रहता है ना आपका डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर, ओके, क्लियर हो गई, चल आगे बढ़ते हैं। नाउ
अच्छा एक और चीज मैं बताना भूल गई, मतलब बताना क्या, खैर आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि डीएनए को हम बोलते हैं अच्छा नेगेटिवली चार्ज स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं कि डीएनए क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड स्ट्रक्चर है। क्यों है भाई ये नेगेटिवली चार्ज्ड? हाँ, ये आपके न्यूक्लिक एसिड्स नेगेटिवली चार्ज्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, PO3-2-। सो दिस 2- चार्ज विच इज प्रेजेंट इन द फॉस्फेट ग्रुप, दिस मेक्स योर डीएनए नेगेटिव। यही आपके डीएनए को क्या बनाता है, नेगेटिव बनाता है। क्लियर हो गई? ठीक है, ये पूछा जा सकता है, इट्स अ क्वेश्चन। ओके, आरएनए, आरएनए के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि देखो आरएनए में क्या है ना, आरएनए में आपका यहाँ पे इसके पास एक एडिशनल ओएच ग्रुप रहता है। मैंने बताया था ना अभी आपको, बताया था कि नहीं बताया था, कि जो राइबोस शुगर यहाँ रहती है बच्चे, ठीक है, जो यहाँ पेंटोज शुगर होती है, इसके इसके 2' पोजीशन पे, दिस इज कार्बन 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ओके, तो ये जो 2' पोजीशन है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ओ ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से इसको हम डीऑक्सी नहीं बोलते बल्कि दिस इज अ राइबोज शुगर। और आपको एक और चीज यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है कि ये एक्स्ट्रा ओएच ग्रुप की वजह से है ना ये हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, क्या रहता है ये हाईली रिएक्टिव रहता है, ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है यहाँ पे इजीली रिएक्ट कर सकता है, पर डीऑक्सीराइबोज शुगर में यानी डीएनए में ऐसा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन तो था ही नहीं, है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये आपका आरएनए को, दिस मेक्स योर आरएनए मॉलिक्यूल अनस्टेबल, ठीक है ना, ये आपके आरएनए मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाता है। क्लियर हुई बात? Also in RNA, the uracil is found instead of the DNA. तो यहाँ uracil मिलेगा, ठीक है? But DNA में thymine मिलता है। Clear हो गई? बस यही इसमें था, RNA में यही difference रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है? Then you have RNA single structure होता है, single stranded रहता है ज़्यादातर, and but it can be found as double stranded also. और अगर हम DNA की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ double stranded form में ही देखने को मिलता है। चलिए अब थोड़ी सी चर्चा और डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में कर लेते हैं कि भाई डीएनए किसने ढूंढा, है ना, कहां से आया, हम पढ़ तो रहे हैं इसके बारे में पर कहां से आई ये बला, किसने इसके बारे में स्टडी की, कौन इसके बारे में खोज कर रहा था, कौन इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट नाउ। डीएनए जो है एक एसिडिक सब्सटेंस रहता है, ठीक है, जो कहां प्रेजेंट है भाई, ये प्रेजेंट है अपने न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, ये सेल रहता है, दिस इज अ सेल, हाँ ये होता है न्यूक्लियस सेल के अंदर, इसी न्यूक्लियस के अंदर यहां पे अपना डीएनए इस तरह से पैक्ड रहता है, पैक्ड किस में होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर, ये सब आपको क्लास छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है। सबसे पहले इस डीएनए का स्ट्रक्चर को, मतलब बेसिकली इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश किसने की, इस एसिडिक स्ट्रक्चर को, ये देखा गया बाय फ्रेडरिक मिशर इन 1869, ठीक है, और उन्होंने उसको नाम दे दिया न्यूक्लीन, ठीक है, उनको नहीं पता भी क्या है, तब उन्होंने ऐसा कुछ देखा था कि यार कुछ तो दिख रहा है पर ये क्या है, ठीक है, फिर खोज हुई और साइंटिस्ट ने काम किया, फिर उसके बाद आए थे आपके रोजेलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस। तो विल्किंस और फ्रैंकलिन ने कुछ एक्सरे जो पुराना जितना भी डेटा पड़ा था, ठीक है, जो पुराने साइंटिस्ट जो कर गए, ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, विल्किंस और फ्रैंकलिन ने दे बेसिकली डिड द एक्सरे डिफ्रैक्शन, जिससे इनको और क्लियर इमेजेस दिखी और अच्छे से इनको वहां पे स्ट्रक्चर समझ में आए। तो ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा था ना डीएनए स्ट्रक्चर का, इसको
प्रोड्यूस किया गया बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, बट इन्होंने भी सिर्फ डेटा प्रोड्यूस किया, इंटरप्रेट नहीं कर पाए। अभी भी इंटरप्रिटेशन यहां इस स्टेप तक पूरी तरह नहीं हुआ, आधा अधूरा है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट। देखो क्या होता है ना, जब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जब खोज चलती है, रिसर्च चलती है, तो कहीं ना कहीं किसी ने शुरुआत कर दी होती है बट वो उसको अंत तक नहीं ला पाते, है ना। तो उसपे वो चीजें, वो रिसर्च चलती रहती, तो इन्होंने स्टार्ट तो कर दिया था बट लेकिन बाद में जैसे जैसे डेटा आता है उसको और रिफाइन किया जाता है, उन पे और स्टडीज की जाती है और अलग अलग साइंटिस्ट उन पे अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। ओके, देन आते हैं हमारे पिक्चर में वेरी फेमस वॉटसन, जेम्स वॉटसन एंड योर फ्रांसिस क्रिक। आप लोग सभी इनको जानते हो, वॉटसन एंड क्रिक, जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल पेश किया था हम सभी के सामने, और उस डबल हेलिक्स मॉडल के अंदर उन्होंने डीएनए के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हमारे सामने बताए थे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा आ चुका था, इसके बाद क्या आया, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज किया। क्लियर हो गई बात, चले आगे, लेट्स अंडरस्टैंड द डबल हेलिक्स मॉडल नाउ। सो स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले यहाँ पे डबल हेलिक्स मॉडल के अंदर सेलियंट फीचर दिया गया था वो ये बोला था कि इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड रहता है। तो इन्होंने ये बताया कि ये ऐसे दो किसे स्ट्रैंड से बना है, एक स्ट्रैंड से नहीं बना। क्लियर हुई बात, जहां पे इसका जो ये ढांचा है, बैकबोन है, वो किसकी है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रिकॉल करते जाओ मेरे साथ में, राइबोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स। क्लियर, तो बैकबोन क्या रहती है यहाँ पे, योर शुगर एंड फॉस्फेट, और अंदर की तरफ क्या प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं आपके, नाइट्रोजन बेसिस। तो ये आपके नाइट्रोजन बेसिस रहते हैं जो कि क्या होते हैं, योर एडिनाइन, थायमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन, ये अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं इस तरह से, ठीक है। इफ दिस इज ए, तो ऐसा कुछ मैं बना देती हूं, ए के साथ हमेशा यू विल सी that there will be your T, ठीक है, and then और पेन यूज कर लेते हैं, पिंक से हमारा हो जाएगा C and पर्पल से हमारा हो जाएगा G। मेरे हिसाब से आपको शायद इतना अच्छे से दिख भी नहीं रहा हो, but you can make it out, हाँ इतना आप लोग अभी मेकआउट कर चुके हो, ठीक है। तो this is your basically, this color is G, this pink color is your C, है ना, yellow is your A and orange is your T. So every time what is happening, these bases are projecting inside and A is always present with the T, ठीक है, and C is always present with the G, and this backbone, ये जो पूरी backbone है ये किससे बनी है बच्चे, ये आपकी बनी हुई है शुगर्स से, कौन सी, हाँ कौन सी, चीनी से बनी है, ये जो हम चीनी खाते हैं वो वाली चीनी की बात नहीं हो रही है, ये इट इज योर डीऑक्सी राइबोज शुगर प्लस योर फॉस्फेट ग्रुप। बात समझ में आ गई सबको, यस और नो। Now, bases in the two strands are paired through hydrogen bonds. Already told you, पहले बता चुकी हूं कि ये जो bases रहते हैं ना बच्चे, ये कैसे hydrogen bonds इनमें रहते हैं, ठीक है, दो रहेंगे A और T के बीच में, double bonds, and आपके C और G के बीच में हमेशा
ट्रिपल बॉन्ड. क्लियर हुई ये बात? यस और नो? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दीज थिंग्स. द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन द राइट हैंडेड फैशन. यहाँ पे जो दो कॉइल्स रहती हैं हमेशा राइट हैंडेड फैशन में, यानी कि ये जो कॉइलिंग होगी ना, ये इस तरह से राइट हैंडेड फैशन में घुमा होता है. ठीक है, ऐसे घुमा होता है ये, ऐसे. क्लियर हुई बात? यस और नो? सो दीज आर ऑल द पोस्टुलेट्स ऑफ योर सेलियंट फीचर्स ऑफ योर डबल हेलिक्स मॉडल. यहाँ पे आपकी बातें जो है वो खत्म नहीं होती, अभी इसमें आगे भी बहुत सारी चीजें हैं. अच्छा, ये एक बार आप डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं दिखाया, ये आपकी बैकबोन दिखाई है. तो इस तरह से ये शुगर्स अटैच्ड होती है बच्चे. ये आपकी डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसके कौन से, ये देखो यहाँ पर जो इसका थर्ड कार्बन होता है ना, इस थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हैं, और हर थर्ड कार्बन का फॉस्फेट ग्रुप पीछे से कौन से कार्बन से जुड़ा है, फर्स्ट से. बात समझ में? तो यानी एक तरफ इसका मैं इसको ऐसे शो करती हूँ तो आपको शायद ज्यादा समझ में आएगी. देखो यहां देखना, अभी आप लोग सिर्फ फोकस करना राइबो शुगर के स्ट्रक्चर. ठीक है, ये ऐसे रहता है. कार्बन्स नेम कर देती हूं मैं. दिस इज अगेन अ कार्बन. ओके, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर एंड दिस इज फाइव. ऑल राइट, नाउ क्या हो रहा है ना, यहाँ पर ये हो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही रहेगा. यू डोंट हैव एनी ऑक्सीजन हियर. इट इज नॉट अ राइबो शुगर, इट इज अ डीऑक्सीराइबो शुगर. ऑल राइट, ये जो कार्बन है इससे अटैच्ड होता है आपका क्या, फॉस्फेट ग्रुप, PO3 2-. क्लियर? तो ये पीछे वाला राइबो शुगर है. अब ये आगे वाले राइबो शुगर से कहां से अटैच होगा, ऐसे देखते रहना आप लोग. सो ये यहां से ऐसे अटैच होगा. तो पिछले राइबोस के फिफ्थ कार्बन से ये जुड़ा है. ठीक है, यहां पे इट इज फाइव, फिफ्थ कार्बन, कार्बन फाइव, एंड यहां पर इट इज कार्बन थ्री. तो ऐसे ये यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है. बात समझ में? सो दिस इज हाउ ऑल ऑफ दी शुगर्स आर गोइंग टू अटैच वन बाय वन, और एक ये पूरा ऐसे ढांचा फ्रेमवर्क बना देते हैं. आगे की तरफ हमेशा एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, क्योंकि इसके साथ अटैच होने के लिए अब आगे कुछ भी नहीं है. विच इज ऑलवेज अ फिफ्थ कार्बन, कार्बन फाइव, which is always free. Hence, इस वाले एंड को जहां पे फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट फ्री है, कोई भी यहाँ पे आगे अटैच होने के लिए फर्दर शुगर्स नहीं है, इसको हम बोलते हैं फाइव प्राइम एंड. ठीक है बच्चों, को ये फाइव प्राइम एंड थ्री प्राइम एंड पता ही नहीं होते, बस रट के चले जाते हैं. डीएनए की ना पोलैरिटी होती है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम. मैम हमको पता है इट्स फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम, है ना, और एंटी पैरेलल होती है, तो इसलिए ये यहां से थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम, है ना, बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं. लेकिन ये नहीं पता कि ये प्राइम है क्या, क्यों है, तो ये अब समझ में आ गया. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे थ्री प्राइम एंड क्यों फ्री है, क्योंकि बेटा इसका थर्ड कार्बन अब यहाँ खाली है, ये अपना थर्ड कार्बन रहता है, ये खाली है. ठीक है, तो हेंस इसका थ्री, थर्ड कार्बन थ्री इज फ्री. So hence it is a three prime end. Clear हुआ? So इस वाले strand की polarity क्या जा रही है? Five prime to three prime. अब इसका जो opposite वाला strand रहेगा ना, उसकी polarity हमेशा उल्टी होगी. अगर ये five to three है, तो ये three to five रहता है. और ऐसा क्यों रहता है? ये भी आप समझ लो. क्यों होती है ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी, है ना, क्या बोलते हैं इसको, इट इज एंटी
पैरेलल पोलैरिटी ऑफ योर डीएनए. बट व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है ये भी देख लो जरा, क्यों होता है ऐसा एंटी पैरेलल? क्योंकि बेटा ये देखो, यहाँ पे जो शुगर्स है ना, इनके नाइट्रोजन बेसिस को एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं, और नाइट्रोजन बेसिस तो आपके पहले कार्बन पे होते हैं, यस और नो? अब इसका अगर पहला कार्बन फ्री है और अगर ये इस तरफ होगा तो यहाँ किससे ज्वाइन करेगा? कुछ है ज्वाइन करने के लिए? नहीं ना, इसको अंदर की तरफ होना पड़ेगा और इसको भी अंदर की तरफ होना पड़ेगा. और अगर ये वाला स्ट्रैंड अंदर की तरफ होगा, यानी कि इसका फर्स्ट कार्बन इस तरफ को फेस करेगा, तो इसका ये वाले कार्बन बाहर की तरफ फेस करेंगे, तो इस वजह से क्या होता है, इसकी पोलैरिटी उल्टी हो जाती है. क्यों? क्योंकि देखो, हमेशा आप देखोगे शुगर्स का जो फेस है ना, उधर हो गया. देख रहे हो आप, यहाँ पे जो ये ऐसे था, ये अब उल्टा हो गया ऐसे, ठीक है? क्योंकि इसका यहाँ 3' अब फ्री है और इधर इसका 5 वाला फ्री है. अगर सेम इसी तरह हो जाएगा ना, तो ये वाले सारे शुगर आपके नाइट्रोजन बेसिस बाहर की तरफ हो जाएंगे, बिल्कुल इसकी तरह. तो उससे तो उनमें आपस में बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, तो इनको आपस में बॉन्डिंग करनी होती है ना हाइड्रोजन बेसिस की मदद से. अब देखो, जो इन नाइट्रोजन बेसिस की बॉन्डिंग हो रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से हो रही है, ठीक है? तो ये आपका टी ए के साथ जुड़ा है डबल बॉन्ड के साथ, सी जी के साथ जुड़ा है ट्रिपल डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल. क्लियर, समझ में आ गया पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर? कोई डाउट यहां तक? विजुअलाइज कर लो कि ये इस तरह के अब दो स्ट्रैंड है जिनके बीच में ये आपका लैडर स्ट्रक्चर बना है. अब यही लैडर जब ऐसे राइट हैंडेड फैशन में घूम जाएगा तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है बच्चों? यही डीएनए है आपका, यही डीएनए है. क्लियर, यही बायोलॉजी है. डीएनए इज द बायोलॉजी एंड बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डीएनए, ठीक है? चल और फर्दर सेलियंट फीचर्स देखते हैं इसमें क्या रहता है. जो यहाँ पे इसका डीएनए का जो ये स्ट्रक्चर रहता है, इसके अंदर जितने नाइट्रोजन बेसिस होते हैं ना, तो उन बेसिस के बीच में, दो बेस के बीच की अगर मैं बात करूं, तो 0.34 नैनोमीटर का डिफरेंस रहता है, ठीक है? और आपका ना क्या है, डीएनए ऐसा टर्न करता है. तो बच्चे, जो एक कंप्लीट टर्न होता है ना, जो एक कंप्लीट टर्न होता है, उस कंप्लीट टर्न के अंदर, सी हियर, ये एक कंप्लीट टर्न जा रहा है यहां से लेके यहां तक, इतना, ठीक है? ये पूरा एक जब घूमा, पूरा एस शेप बनेगा ना बच्चे. बच्चों को समझ नहीं आता पिच क्या होती है, पिच नहीं पता आज तक, ठीक है? तो अब ध्यान से देखना, एक कंप्लीट टर्न का मतलब है एक एस बन रहा है. वन एस इक्वल्स टू वन कंप्लीट टर्न. और इसी वन एस की जो लेंथ है ना बाबा, इसी वन एस की जो लेंथ रहती है ना, यहां से लेके यहां तक, इसी को हम बोलते हैं, व्हाट इज दिस? दिस इज योर पिच, ठीक है? तो एक पिच अगर हम देखते हैं, तो एक पिच की लेंथ जो आई है डीएनए की, दैट वाज 3.4 नैनोमीटर. कितनी आई? दिस इज अगेन एन एस फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज 3.4 नैनोमीटर. और दो बेसिस के बीच का डिफरेंस 0.34 नैनोमीटर. तो इससे हम इजीली पता लगा सकते हैं कि एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं टोटल, कितने टोटल बेस पेयर्स होंगे पता लगा सकते हैं. 0.34 डिवाइडेड बाय 3.4, सॉरी उल्टा हो गया, माय बैड. सो दिस विल बी 3.4 डिवाइडेड बाय 0.34. सो हाउ मेनी, ये देखो इधर मैथ्स आती है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ यार, ठीक है? ऐसे काटा पीटी काटा पीटी. सो हाउ मेनी? 10 बेस पेयर्स, ठीक है? सो 1, 2, 3, 4, 5, से ऐसे काउंट करोगे इस पूरे एक एस के अंदर 10 बेस पेयर आएंगे बच्चों, ठीक है? क्लियर हो गई बात? यस और नो, सबको समझ में आई ये बात?
क्लियर, यही बात यहाँ लिखी है, पिच में 3.4 नैनोमीटर का लेंथ रहता है, 10 बेस पेयर होते हैं ईच टर्न में, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर, एंड द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये कुछ इस तरह से होता है ना कि एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर में ऐसे स्टैक्ड रहता है, डिफरेंस ही कितना है 0.34 नैनोमीटर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक चिपके हुए। तो इससे क्या आता है ना, डीएनए को स्टेबिलिटी मिलती है, एक के ऊपर स्टैकिंग से डीएनए को स्टेबिलिटी मिलती है। साथ साथ यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो ये दो फीचर्स जो रहते हैं ना, स्टैकिंग और प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दिस गिव्स व्हाट, स्टेबिलिटी टू डीएनए स्ट्रक्चर, दिस मेक्स द डीएनए स्ट्रक्चर स्टेबल। ऑलराइट, क्लियर हुई यहां सभी को बात। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेंट्रल डोगमा। सो ये सेंट्रल डोगमा क्या चीज है बच्चे, जो फ्रांसिस क्रिक थे, ठीक है, वॉटसन के साथ जिन्होंने मिलकर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, उन्होंने एक और स्टडी की एंड ही बेसिकली प्रपोज्ड अ सेंट्रल डोगमा। एंड इस सेंट्रल डोगमा में उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा जो डीएनए होता है ना, ठीक है, यही डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, ठीक है। डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जिसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती हैं और ये इंफॉर्मेशन से हमारे प्रोटीन्स बनते हैं। डीएनए के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो बेसिकली प्रोटीन्स बनाने के लिए वहां इंफॉर्मेशन रहती है इन द फॉर्म ऑफ सम कोड वर्ड्स, और इन कोड वर्ड्स को पहले बीच में एक मॉलिक्यूल बनता है एमआरएनए, जो एम यहां पे होता है मैसेंजर, तो ये एक मैसेंजर की तरह काम करता है और यहां से सारी इंफॉर्मेशन को ग्रैब करता है और उस इंफॉर्मेशन को फिर फाइनली एमआरएनए में ट्रांसक्राइब किया जाता है, ठीक है। अब ये ट्रांसक्राइब क्या है, ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए की इंफॉर्मेशन आरएनए में आती है, इस मॉलिक्यूल में आती है, ठीक है, और फिर फर्दर इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट किया जाता है, इसको समझा जाता है, इसको पढ़ा जाता है और यहां से अमाइनो एसिड्स की एक सीक्वेंस बनती है विच इज फॉर्मिंग अ प्रोटीन। एक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बनती है जिससे एक प्रोटीन बन जाता है। सो दिस सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ये जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस बनी है, दिस इज बेसिकली एन इंफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन। ऑलराइट, यही एक प्रोटीन की एक इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कैरी कर रहा है। क्लियर हो गई ये बात सभी को, यस और नो? सो दिस प्रोसेस जहां पे डीएनए से एमआरएनए बनता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन योर सेंट्रल डोगमा। फिर इसके बाद यहां से इंफॉर्मेशन लेके इसको ट्रांसलेट किया जाता है ट्रांसलेशन प्रोसेस से, जिससे आपके प्रोटीन्स बनते हैं। तो बच्चों इसी को सेंट्रल डोगमा कहा जाता है एंड इस सेंट्रल डोगमा से बेसिकली हमें ये पता चल रहा है कि यार डीएनए में कुछ तो ऐसा है ना, कुछ तो ऐसी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं जिससे फर्दर बॉडी के अंदर बेसिकली जितने भी कैरेक्टर्स है उसको कैसे स्टोर कर रहे हैं वो, ठीक है, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, और उस इंफॉर्मेशन को वहां से निकाला कैसे जाता है, तो उसके पीछे के ये प्रोसेस रहते हैं, कैसे वहां से उस इंफॉर्मेशन को डिकोड किया जाता है, फिर वहां से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक एंजाइम्स की यहाँ पर भरमार होती है, एंजाइम्स यूज होते हैं, ठीक है, मशीनरीज रहती हैं, अलग अलग चीजें यहाँ पे, तो ये एकदम जैसे किसी भी गोडाउन के अंदर, फैक्ट्री के अंदर आपके पास रॉ मटेरियल्स होता है, उससे आप फाइनल प्रोडक्ट निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये हमारी बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है। तो हम एक एक करके इन सारे प्रोसेसेस को पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, आगे और भी चीजें हैं, रेप्लिकेशन भी है, तो इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद दैट। सो टुडे
सिर्फ और सिर्फ डीएनए में फोकस कर रहे हैं हम, तो डीएनए को पहले अच्छे से समझ लो। उसके लिए डीएनए जो होता है हमारी बॉडी में कैसे होता है, क्या वहां डीएनए एज इट इज पड़ा रहता है? हाँ, 2.2 मीटर का डीएनए, ह्यूमन डीएनए, ठीक है, 2.5 मीटर का रहता है। आपको क्या लगता है वो इतने से सेल में ऐसे फैला पड़ा होगा? एक सेल जो कि माइक्रोस्कोपिक दिखाई भी नहीं देता, उसके अंदर इतना बड़ा डीएनए कैसे फिट होता होगा? कुछ तो तरीका होगा, कुछ पैकेजिंग, आप कुछ ऑर्डर करते हो, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा सामान है जो फैला हुआ है, आपने कुछ सूट मंगाया, क्या वो ऐसे ही दे जाते हैं आपके घर पे? प्रॉपर पैकेजिंग करके देके जाते देते हैं ना, तो वैसे ही पैकेजिंग तो बेटर डीएनए में भी जरूरी है कि नहीं? नहीं तो इतना बड़ा सामान इतने से सेल्स में कैसे फिट होगा? क्वेश्चन आता है दिमाग में या नहीं? ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डीएनए इज पैक्ड इन द सेल। पहले यहाँ पे मैं आपको प्रोकैरियोट्स के बारे में बता देती हूँ कि प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग कैसे होती है। प्रोकैरियोट्स अगर आपको नहीं पता क्या होते हैं, वैसे बहुत बुरी बात है अगर आपको नहीं पता, क्योंकि क्लास 11 में आप लोग पढ़ के आए हो, है ना, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स आपके ज्यादातर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, और इसमें आते हैं आपके बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की। DNA is held with some proteins that have positive charges in a region termed as nucleoid. क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस तो है ही नहीं, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, दे हैव अ न्यूक्लियोइड, इनके पास न्यूक्लियोइड होता है। हेंस इसी न्यूक्लियोइड के अंदर क्या रहता है आपका? न्यूक्लियोइड के अंदर आपके इस तरह से DNA होते हैं which are negatively charged, और क्या बोला कि ये कुछ पॉजिटिवली charged पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स के साथ में जुड़े होते हैं, है ना। तो ये जो पैकेजिंग रहती है इनकी कुछ ऐसी होती है डीएनए की, ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स के सराउंड में रहते हैं, एंड द डीएनए इज न्यूक्लियोइड, ठीक है। डीएनए न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू लार्ज लूप्स, और ये इस तरह से बड़े बड़े ऐसे लूप्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज रहते हैं ऐसे, ठीक है। इन्हीं लूप्स के अंदर आपका डीएनए है जो कि प्रोटीन्स, ऐसे आपका डीएनए रहेगा, मान लो ये आपका डीएनए है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, इनके अराउंड ऐसे कॉइल्ड रहते हैं, ठीक है, ऐसे। बोलोगे मैम क्या ही कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। देख बेटा, ऐसे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, इनके अराउंड ऐसे कॉइल्ड होता है आपका डीएनए, ठीक है। ये ऐसे करके ये जो होते हैं आपके ऐसे छोटे छोटे थ्रेड्स बना देते हैं, ऐसे थ्रेड्स बना देते हैं, और ये थ्रेड्स ऐसे लूप्स के फॉर्म में, बड़े बड़े लूप्स के फॉर्म में न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर पड़ा रहता है। मान लो ये आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, तो इस तरह से ये न्यूक्लियोइड रीजन में ये बड़े बड़े लूप्स पड़े रहते हैं, जहां पे छोटे छोटे प्रोटीन्स के अराउंड विच आर पॉजिटिवली चार्ज डीएनए नेगेटिवली कॉइल्ड रहता है। क्लियर हुई ये बात? यस और नो? ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे यूकैरियोट्स में होते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपके यूकैरियोट्स की है, यूकैरियोट्स में भी सिमिलर तरीका रहता है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर आपका प्रोटीन्स रहते हैं विच आर पॉजिटिवली चार्ज, इनको हम बोलते हैं हिस्टोन्स, पर ये हिस्टोन्स यहाँ एब्सेंट है, यहाँ हिस्टोन्स नहीं होते, उनके जैसे ही कुछ प्रोटीन्स रहते हैं, हिस्टोन्स नहीं होते, ठीक है, हिस्टोन्स के जैसे कोई प्रोटीन्स होते हैं। तो ये जो हिस्टोन्स होते हैं ना बच्चे, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स हैं जिनके अराउंड नेगेटिवली चार्ज्ड आपके डीएनए जो होते हैं वो कॉइल्ड रहते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये जो हिस्टोन है, ये लिखा है ये ऑक्टामर है, यानी कि ये फर्दर 8 सब यूनिट से बना होता है, ठीक है, फर्दर 8 सब यूनिट से बना होता है, एंड इसके यहाँ पे एक इसका पार्ट रहता है H1 हिस्टोन। इसका फंक्शन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसका केवल इतना ही फंक्शन होता है कि डीएनए की एंट्री
और एग्जिट को गाइड करता है। हिस्टोन के अराउंड जब कॉइल करना होता है डीएनए को, तो उसकी एंट्री और एग्जिट को गाइड करने के लिए ये हिस्टोन का पार्ट रहता है, H1 हिस्टोन। ठीक है, क्लियर। तो ये जो पैकेजिंग होती है ये डीएनए में दिख, ये आपके यूकैरियोटिक डीएनए में दिखती है। वहां पे ये जो यूकैरियोटिक डीएनए होते हैं, देखो आपका ये हिस्टोन हुआ, इसके अराउंड ऐसे ये कॉइल हो गया डीएनए। ठीक है, समझ में है। अब ऐसे ही आगे और फर्दर हिस्टोन, फर्दर हिस्टोन, एंड दिस इज हाउ द कॉइलिंग इज बीइंग डन। ऐसे कॉइलिंग हो जाए, फिर ऐसे 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 करके, सो ऑन। सो इट लुक्स लाइक अ स्ट्रिंग ऑन बीड्स स्ट्रक्चर, नहीं बीड्स ऑन स्ट्रिंग बोलते हैं इसको। सो इट लुक्स लाइक अ बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। ऐसे नहीं होता, हमारी जो मालाएं होती हैं ऐसे और उसपे मोतियां रहते हैं ऐसे छोटे 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 छोटे, बिल्कुल वैसा ही बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर ये लगता है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर ये लगता है। और यही बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर जो है क्या करता है, इट कॉइल्स, ये फर्दर ये स्ट्रक्चर इस तरह से कॉइल करता है और आपके एक्स शेप का ऐसे फर्दर कॉइलिंग, ऑल अदर कॉइलिंग, कॉइलिंग सुपर कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बना लेता है ये। ऐसे ये बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर से और सुपर कॉइलिंग बनाते हैं और इस तरह के एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। बात समझ में आई, यस और नो? सो दिस इज हाउ आर डीएनए इज पैक्ड इनसाइड द क्रोमोसोम्स एंड देन दीज क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन योर न्यूक्लियस। ये अब यहां यूकैरियोट्स की बात हो रही है। ठीक है, दिस इज द यूकैरियोटिक पैकेजिंग, ओके, वेयर द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। क्लियर हुई बात? ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? चलिए अब देखो जो मैंने अभी आपको बताया उसी को यहां पे समझ लो। सो इन यूकैरियोट्स देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। यहां पे पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स रहते हैं, ठीक है, और इनको हम बोलते हैं हिस्टोन्स। बेसिक प्रोटीन्स क्यों है ये? क्योंकि ये आपके ज्यादातर लाइसीन और आर्जिनिन से बने हैं, रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड्स, इसीलिए इनका नेचर बेसिक है। ऑलराइट, हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टामर। तो 8 यहाँ पे आपकी यूनिट्स रहती हैं, इसीलिए ये ऑक्टामर बन जाता है। क्लियर हो गई बात? नाउ न्यूक्लियोसोम्स, ओके, सो मैंने जो बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर आपको बताया था उसी को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं उसी को? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। सो दीज न्यूक्लियोसोम्स आर नथिंग बट द बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, ओके, व्हिच आई टोल्ड यू ऑलरेडी। ऑलराइट, एंड द न्यूक्लियोसोम्स इन द क्रोमैटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस कॉल्ड द क्रोमैटिन, व्हिच इज थ्रेड लाइक स्टेन्ड कलर्ड बॉडीज सीन इन न्यूक्लियस। अब ये क्या बात कह दी है? तो बेटा आपका जो ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर था जिसमें हिस्टोन था, उसके अराउंड प्रोटीन पैक्ड था, दैट इज फॉर्मिंग अ न्यूक्लियोसोम। और ऐसे ही न्यूक्लियोसोम जब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं, बिल्कुल एक माला जैसा, उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, बात समझ में आ गई? और जब न्यूक्लियस को हम स्टेन करते हैं और देखते हैं ना कि कलर्ड न्यूक्लियस दिख रहा है, तो वो कलर्ड किसकी वजह से दिखता है? वो इसी क्रोमैटिन की वजह से दिखता है। बात समझ में आई? ठीक है,
तो यही चीज बोली गई है यहाँ पे, और कुछ हाईफाई नहीं है। मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसको जरा समझो। देखो जो हमारा क्रोमैटिन रहता है ना, दैट इज ऑफ टू टाइप्स। जब आप स्टेन भी करते हो तो आपको वहां पे दिखाई देता है, एक जगह जो है वो बहुत लाइट स्टेनिंग दिखती है क्रोमैटिन की, और एक जगह जो है वो डार्कली स्टेन्ड दिखता है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम इसको यूक्रोमैटिन और हेटरोक्रोमैटिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बेटा जो लाइट स्टेनिंग होती है ना, ठीक है, लाइट स्टेनिंग जो होती है वो इसलिए होती है क्योंकि यहां पे क्रोमैटिन जो है वो लूजली पैक्ड है। क्या है बेटा? लूजली पैक्ड है, जिसकी वजह से बहुत लाइट है, ठीक है। हेट्रो में क्या हो रहा है? हेट्रो मिक्सचर, डार्क, ओके। सो डार्क स्टेनिंग आती है, ज्यादा मिक्सिंग है, ज्यादा डेंसली पैक्ड होते हैं ये, ठीक। सो इसी के बेसिस पे हम इसको यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन में डिस्टिंग्विश करते हैं। क्लियर हुई बात? सो क्रोमैटिन इस तरह से लूजली पैक्ड और डेंसली पैक्ड रहता है। अब यहां पे आती है बात कि डीएनए की खोज कैसे हुई, कैसे डीएनए को ढूंढा गया, हाउ वाज डीएनए फाउंड। सो इसके लिए ऑब्वियसली सर्च चली, ठीक है, देयर वाज अ सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। सो व्हेन द सर्च वाज डन, सबसे पहले यहाँ पे देखा गया आपका, ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था माउस के साथ में, जिसको हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। सो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्होंने क्या किया, बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने माउस के ऊपर किया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया, ठीक है, जिसके उन्होंने दो तरह के स्ट्रेन लिए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन लिए। एक एस स्ट्रेन लिया विच वॉज विरुलेंट, और एक आर स्ट्रेन लिया विच वॉज नॉन विरुलेंट। आप थोड़ा सा इसको यहां पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूं। सो ये क्या है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, क्या है? आप लोगों ने सुना होगा कि हमें निमोनिया नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें जो हमारे एल्वियोलाई उसके अंदर पानी भर जाता है ना, देसी भाषा में बात करते हैं बिल्कुल, और हमारे नेल्स नीले पड़ जाते हैं, होंठ नीले पड़ जाते हैं, बच्चों में बहुत जल्दी निमोनिया दिखता है ना। तो ये निमोनिया किसकी वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इतना समझ गए कौन सा बैक्टीरिया लिया जो निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। अब इसके दो स्ट्रेन होते हैं, अब ये क्या भला है ये भी समझ लो। दो स्ट्रेन का मतलब है एक ऐसी बैक्टीरियल स्ट्रेन जहां पे म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले प्रोटीन्स होते हैं, ओके। तो इसको एस स्ट्रेन कहा जाता है, जहां पे ये म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले प्रोटीन्स नहीं होते उसको हम रफ स्ट्रेन, आर स्ट्रेन कहते हैं। तो म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले होंगे तो ऑब्वियसली बीमारी कॉज करेंगे, हेंस विरुलेंट है। विरुलेंट का मतलब इट विल कॉज द डिजीज, नॉन विरुलेंट का मतलब है नॉट हार्मफुल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है, क्लियर हो गया, हाँ। सो वी आर हैविंग दीज रफ एंड स्मूथ स्ट्रेन्स। स्मूथ क्यों? क्योंकि म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले प्रोटीन्स हैं, उसकी वजह से उसका अपियरेंस स्मूथ रहता है, नहीं है तो रफ रहता है, ठीक है तो डिजीज कॉज कर रहा, नहीं है तो नहीं कर रहा। तो एस स्ट्रेन बीमारी करेगा, आर स्ट्रेन नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। सबसे पहले ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने माउस के अंदर डाले रफ स्ट्रेन्स, रफ स्ट्रेन डाले, भैया नॉन विरुलेंट थे, कुछ नहीं हुआ, माउस बड़े वजह से खेल रहा है, ठीक है, जिंदा है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसने क्या किया, फिर उसने अब ये स्मूथ स्ट्रेन यानी विरुलेंट बीमारी कॉज करने वाले ये जब डाले इसके अंदर, तो भैया माउस क्या हो गया, माउस मर गया। जाहिर सी बात है, बीमारी वाले डालोगे तो मरेगा, बीमारी हो गई, निमोनिया हो गया तो माउस मर गया।
ठीक है। अब क्या किया ग्रिफिथ ने, अब यहाँ पे कुछ उसने अलग करके देखा, क्या उसने सोचा कि अगर ये स्मूथ वाले हैं इनको मैं हीट करके किल कर दूं, इन बैक्टीरिया को गरम कर दिया है ना, गरम तवे में डाल के, तो तवा नहीं यूज किया था, बैक्टीरिया आंखों से विजिबल नहीं होते आपको पता है ना, तो इनके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होते हैं जो लैबोरेटरीज में यूज किए जाते हैं, हीट किल किया, अब हीट से ये किल हो गए बैक्टीरिया, इसलिए माउस के अंदर डाला, तो माउस मजे में है, माउस जिंदा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मरे हुए बैक्टीरिया डाले, भाई मरे हुए तो कोई असर नहीं दिखा रहे, तो माउस खिलखिला रहा है, ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ गई। अब चमत्कार हुआ यहां जब उसने हीट किल्ड, देखो हीट किल्ड अलग से डालो तो माउस जिंदा है ना, रफ वाले को अलग से डालो तो माउस जिंदा है, दोनों केसेस को अलग अलग डाला तो माउस जिंदा था, बट दोनों को साथ में डाला तो माउस मर गया, ये चमत्कार कैसे हुआ भाई। हाँ, तो ग्रिफिथ को समझ में आया कि हीट किल्ड वाले स्ट्रेन्स के अंदर कुछ तो ऐसा था, है ना, कुछ तो था दया, कुछ तो समथिंग वॉज देयर जो अभी भी मरा नहीं था, और उसने ये समथिंग समथिंग किसको दे दिया, रफ स्ट्रेन को दे दिया भाई, ठीक है, ये समथिंग समथिंग रफ स्ट्रेन को दे दिया, जिसकी वजह से रफ स्ट्रेन एकदम स्मूथ स्ट्रेन की तरह काम करने लगे, और इन्होंने नॉन विरुलेंट वाले स्ट्रेन्स को बना दिया विरुलेंट, ठीक है, ये नॉन विरुलेंट वाले स्ट्रेन्स क्या बन गए, विरुलेंट, और इसी वजह से माउस की हो गई डेथ। तो अब यही जानना था कि ये समथिंग क्या था जो हीट किल्ड वाले एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन की तरफ आए, दैट वॉज समथिंग विच वॉज नोन एज अ ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस, बट स्टिल इट वॉज नॉट नोन कि वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस क्या था, ठीक है, यहां तक अभी नहीं पता कि वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस क्या था, क्या वो डीएनए था, क्या वो आरएनए था, क्या वो प्रोटीन था, ठीक है, पर कुछ तो था, ये कहानी यहां तक अधूरी रह गई, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी और साइंटिस्ट हैं, वो भी कुछ ना कुछ तहकीकात करेंगे, है ना, पूरी की पूरी टीम है भैया हमारे पास। तो अब यहाँ पे आते हैं सीन में एवरी मैककार्टी और मैकलियॉर्ड, अब इन्होंने क्या किया, दे डिड सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स, और मैककार्टी एवरी और मैकलियॉर्ड के ये जो एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने इसमें बेसिकली क्या किया, ये ग्रिफिथ का जो सॉल्यूशन था ना उसको ले लिया जिसके अंदर हीट किल्ड एस स्ट्रेन्स थे आपके, ठीक है, नाउ इसके अंदर अब उनको था कि भैया प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, आरएनए भी हो सकते हैं, डीएनए भी हो सकते हैं, अब इसको कैसे टेस्ट किया जाए, तो टेस्ट करने के लिए जब इसके अंदर प्रोटीनेज डाला, देखो बच्चे जहां एज लग जाता है पीछे मतलब वो उसको कैटलाइज कर देगा, कैटलिटिक एक्टिविटी शो करेगा वहां पे, यानी कि उसको तोड़ देगा, ठीक है, प्रोटीनेज क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक कर देता है, आरएनएज क्या करता है, आरएनए को ब्रेक कर देता है, डीएनएज क्या करता है, डीएनए को कर देता है, ठीक है ना, तो जब पहले सॉल्यूशन में प्रोटीनेज डाला तो क्या हुआ, यहां पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, यानी कि प्रोटीन यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था, क्योंकि प्रोटीन की एब्सेंस में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो प्रोटीन वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बच गए आरएनए और डीएनए, जब आरएनए डाला तो भी आरएनएज डाला तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, भैया ट्रांसफॉर्मेशन तो अब भी हो गई,
यानी कि आरएनए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था, बट जैसे ही डीएनए डाला तो नो एस सेल अपीयर्स, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन यहां नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि डीएनए की ही वजह से वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। बात समझ में आई? ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका डीएनए की ही वजह से हुआ था। क्लियर हो गई बात? यस और नो? ये इनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला। इसकी पुष्टि और अच्छे तरीके से की गई जब फर्दर हर्शी एंड चेज ने भी एक फाइनल एक्सपेरिमेंट दिया थम्स अप देने के लिए इस पे। तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था? ये सारे एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 3 मार्क्स 5 मार्क्स में डिटेल में इनका इनको पूछा जा सकता है। सो यू नीड टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग कि व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, व्हाई इट इज डन, बाय हुम इट इज डन, व्हाट वाज बीइंग डन, व्हाट वाज बीइंग कंक्लूडेड। ठीक है, तो 3-3, 5-5 मार्क्स में ऐसे आ सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन का आप आंसर कैसे करते हो वो मैं आपके फर्दर सेशंस में आपको बता दूंगी, ठीक है? बट इसकी थ्योरी आप समझ लो यहाँ पे। सो उन्होंने क्या किया, दे टुक अ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या रहता है आप लोग जानते हो? व्हाट इज अ बैक्टीरियोफाज? क्या रहता है भाई बैक्टीरियोफाज, कौन बताएगा? बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स योर बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो क्या रहते हैं भाई? बैक्टीरियोफाजस। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है, यू आर हैविंग व्हाट दिस इज, दो तरह के बैक्टीरियोफाजस का इस्तेमाल किया, एक को सल्फर से लेबल किया, एक को फॉस्फोरस से। रीजन, फॉस्फोरस मिलता है डीएनए में, सल्फर मिलता है प्रोटीन में। तो ये बेसिकली टेस्ट किया जा रहा था डीएनए और प्रोटीन के बीच में, ठीक है, वेदर द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वॉज डीएनए और अ प्रोटीन, राइट? अब क्या किया, अब इन बैक्टीरियोफाजस को से बेसिकली कुछ ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया, ठीक है? जब इन ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया फिर वहां पे ब्लेंडिंग करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आप लोग जानते हैं ये डेंसिटी बेस पे क्या करता है, डेंसिटी बेस पे के बेसिस पे क्या होता है यहाँ पे, दूध का दूध और पानी का पानी, है ना? तो बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे होती है। सो यहाँ पे आपका डीएनए क्योंकि क्या रहता है, डेंस होता है तो वो नीचे रह जाता है, इट सेटल्स डाउन, एंड प्रोटीन आपका हल्का रहता है तो प्रोटीन ऊपर आ जाता है, ठीक है, अपर सरफेस पे रहता है, फ्लोट करता है, ठीक है? तो दोनों केसेस में क्या देखा गया बच्चे कि यहां पे क्या आया, यहां पे जब आपका सुपरनेटेंट ऊपर वाला क्या रहता है, सुपरनेटेंट जिसको हम ऊपर ऊपर से उतार देते हैं, तो सुपरनेटेंट में ऑब्वियसली प्रोटीन्स आर देयर। इसके सुपरनेटेंट जो थे उसके अंदर रेडियो एक्टिव कॉम्पोनेंट्स मिले, यानी कि यहां पर प्रोटीन आया है, ठीक है? इसमें सुपरनेटेंट में कोई प्रोटीन नहीं मिला, बल्कि कहां मिला, द रेडियो एक्टिव कॉम्पोनेंट्स वॉज डिटेक्टेड इन दी योर डेंस पार्ट, ठीक है, नीचे वाले पार्ट में, भारी हिस्से में, डीएनए में। बात समझ में आई? तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि यहां पर जो रेडियो एक्टिव पार्ट है ना, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ प्रोटीन्स आए हैं, ठीक है, बट डीएनए तो यहां कहीं ट्रांसफॉर्म हुआ ही नहीं, ओके, बिकॉज दीज सेल्स वर, इनके अंदर इसने अपना डीएनए रिलीज किया और चल दिए, है ना, डीएनए रिलीज करके चल दिए, बाहर का जो कोटिंग है वो ऊपर ऊपर प्रोटीन की आ गई। बैक्टीरियोफाज का जो ऊपर की कोटिंग है वो प्रोटीन कैप्सूल से बनी होती है, पता है ना आपको, ठीक है, लेकिन अंदर का डीएनए वहां पे बेसिकली क्या है, प्रोटीन्स तो बाहर की तरफ रह जाते हैं। और जो आपका यहाँ पे जो डीएनए है वो इन ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट हुआ है, क्योंकि सुपरनेटेंट में तो इट वॉज विजिबल, द सल्फर, रेडियो एक्टिवली सल्फर वॉज विजिबल, बट नॉट इन द
ईकोलाई, ओके। सिमिलरली यहाँ पे वाइस वर्सा हुआ है, तो इससे क्लियरली आपको पता चल रहा है कि डीएनए वॉज ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था? डीएनए। क्लियर हुई है बात? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे लास्ट टॉपिक की तरफ, जहां पे वील बी डिस्कसिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी जेनेटिक मटेरियल। सो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं किसी जेनेटिक मटेरियल की, तो बेसिकली हम क्या करें ना, हमें यहाँ पे फाइनलाइज करना है कि यार डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए है या प्रोटीन है, ठीक है। तो अब इनके बीच में ये एक तरह से कॉम्पिटिशन है कि विच वन इज द जेनेटिक मटीरियल। तो जेनेटिक मटीरियल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो अगर तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, वो इनमें रहती हैं, तो एक अच्छा जेनेटिक मटीरियल है। सिंपल सबसे पहली चीज देखी जाती है स्टेबिलिटी। तो डीएनए तो स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टैकिंग ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, ये सब दिखता है, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या है, इट इज हाईली स्टेबल। बट आरएनए की अगर हम बात करते हैं, तो आरएनए क्या है, इट इज नॉट स्टेबल। व्हाई, क्या रीजन है स्टेबिलिटी क्यों नहीं है आरएनए के अंदर? क्योंकि यार ये तो कैटालिटिक है ना, इसके अंदर तो एक फ्री ऑक्सीजन घूम रहा है टू प्राइम कार्बन पे, तो ये ऑक्सीजन तो इसको बहुत ज्यादा कैटालिटिक बनाता है, ये तो स्टेबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं कि यार इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो इजिली स्टोर हो जाती है, मतलब ये ट्रांसमिट कर सकता है पर स्टोर करने के लिए अच्छा नहीं है, ये सिर्फ ट्रांसमिट के लिए अच्छा है, एक मैसेंजर अच्छा एक्ट कर सकता है, इसीलिए एक मैसेंजर आरएनए की तरह काम करता है ये सेंट्रल डोग्मा में, पर एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है अच्छा, ठीक है। देन दूसरी कैरेक्टर आती है कि रेप्लिकेशन कर सकता है, अपना रेप्लिका बनाना जरूरी है, ठीक है। पर अगेन रेप्लिका आपका डीएनए आरएनए बना देते हैं, खैर इसे तो आरएनए भी बनाता पर प्रोटीन नहीं बनाता, तो प्रोटीन तो वैसे ही एक जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। देन केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, जो कि आरएनए तो बिल्कुल नहीं है, तो स्टेबिलिटी के मामले में तो आरएनए पहले ही ये जंग हार चुका है। फिर दूसरी चीज आती है कि क्या ये यहाँ पे स्लो चेंजेस का स्कोप है? जी हाँ, डीएनए में स्लो चेंजेस का स्कोप तो यार बिल्कुल है, क्योंकि डीएनए के अंदर आते हैं, है ना, रेप्लिकेशन 100% नहीं होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली नेचर भी गलती करता है, तो स्लो चेंजेस म्यूटेशंस डीएनए में होते हैं, बट बहुत ह्यूज अमाउंट में, है ना, ऐसे बहुत ज्यादा वाले नहीं होते, क्योंकि एवोल्यूशन के लिए देखो थोड़े बहुत तो म्यूटेशंस चाहिए, नहीं होगा सब कुछ ऐसे ही चलता जाएगा, तो नेचर के साथ साथ ह्यूमन बीइंग्स या और कोई ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व नहीं कर पाएंगे, और फिर उनको नेचर सेलेक्ट नहीं करेगा, मर जाएंगे, ठीक है। तो एवोल्यूशन में म्यूटेशन होना जरूरी है, पर लेकिन आरएनए तो बेटा इतना स्टेबल है ना कि वो नहीं जल्दी जल्दी म्यूटेट करता है, हाइपर एक्टिव बच्चा है ये आरएनए, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा म्यूटेट करता है, इट्स नॉट एट ऑल अ गुड जेनेटिक मटीरियल। फिर है मेंडेलियन कैरेक्टर्स फॉलो करने चाहिए, तो अगेन ये तो हमारा डीएनए ही करता है, आरएनए नहीं करता। क्लियर हुई बात? सो हेंस यहां से क्या पता चलता है, दैट डीएनए इज अ वेरी गुड जेनेटिक मटेरियल एंड इट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। क्लियर हुई बात? ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा, लास्ट चीज आती है आरएनए वर्ल्ड, इस पे कभी कभी आपको ना ऐसे शॉर्ट नोट बनाना आ जाता है, तो ये तो एकदम सच बात है कि सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही है, इसके बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जो सजेस्ट करते हैं, लेकिन बेटा जी फिर भी डीएनए ने क्या किया, डीएनए ने ना इवॉल्व कर लिया, बहुत ज्यादा केमिकल मॉडिफिकेशंस उसके अंदर आई, उसने खुद को स्टेबल बना लिया, तो वो एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल है। पर आरएनए अनस्टेबल है, कैटालिटिक है, वो एक कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है, पता है आपको, हाँ, राइबोसाइम जो है, राइबोसाइम इज व्हाट, इट्स अ कैट, इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। सो हेंस आपके लिए आरएनए एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग
ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तब तक ये सब कुछ रिवाइज करके आना जितनी भी चीजें आज कवर की है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।